इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का बिहार में आज सुफड़ा साफ हो गया। पार्टी के 5 में से 4 विधायक और ओवैसी का साथ छोड़ दिया और RJD में शामिल हो गए। सभी विधायक पहली बार AIMIM से चुनकर विधानसभा में आए हैं। बायसी से चुनकर आए सैयद रुकमुद्दीन अहमद, जोकीहाट के विधायक शहनवाज आलम, कोचा धामन के विधायक इजहार असफी और बहादुरगंज से चुनाव जीतकर आए मोहम्मद अंजार नईमी ने RJD की सदस्यता ली। इसके साथ ही RJD बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब इनके विधायकों की संख्या 80 हो गई है। अनिरुद्ध, आखिर क्या वजह है जो AIMIM को पार्टी ने छोड़ दिया है और RJD का दामन थाम लिया? AIM के जो भी विधायक थे उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी RJD जिस तरीके से सरकार के जो भी काम होते हैं उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं और हमारी जो पार्टी है उस तरीके से खड़ा नहीं हो पाती है और जो मुख्य विपक्ष की भूमिका होती है उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल एक विकल्प है मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में, तो उनके साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पे एक बेहतर सवाल जवाब विधानसभा में होगा और बिहार के हित में होगा, इसलिए उन्होंने इस पार्टी को छोड़कर राजद का दामन थामा है। सिमरन जी, अनिरुद्ध, ओवैसी की पार्टी छोड़ दिए हैं और RJD का दामन उन्होंने थामा है, तो ये कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। जी, और इनके 4 विधायक भी इसी कारण से राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं कि मुस्लिम वोट का बंटवारा बिहार का दूसरे पार्टी में ना हो। अनिरुद्ध, ये ऐसा तो नहीं लगता कि अचानक हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी भूमिका पहले से बांधी गई है? जी जी सिमरन, इसकी भूमिका लगभग 5-6 महीने से चल रही थी। इस कोशिश में जब BJP में पारस यानी कहा जाए लोजपा जब में टूट हुई थी और उसी समय से ये प्रयास किया जा रहा था, जदयू जब बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ बनने की कोशिश की थी, उनकी विधायक की संख्या बढ़ाने की कोशिश की थी, तो राष्ट्रीय जनता दल भी चुप नहीं था और BJP जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल से 1 सीट ज्यादा यानी विधानसभा में बड़ी पार्टी के रूप में जब बनकर आया तो राष्ट्रीय जनता दल उस समय से कोशिश में था कि बड़ी पार्टी किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल हो। नहीं, अचानक कुछ भी नहीं हुआ, ये पहले से ही तय था और अंदरूनी राजनीतिक गलियारे की बात कहें तो ये लगभग 6 महीने से ये कोशिश हो रही थी कि उनकी पार्टी को राजद में विलय कराया जाए। अनिरुद्ध, ये सभी माइनॉरिटी चेहरे हैं तो क्या इसका फायदा RJD को मिलेगा? निश्चित तौर पे मुस्लिम का जो भी चेहरा है या मुस्लिम का जो वोट है वो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को मिलता रहा है और ये जो ओवैसी की जो 4 विधायक हैं जिस तरीके से RJD में विलय किए इससे और ये साफ जाहिर होता है कि मुस्लिमों का पूरा वोट राष्ट्रीय जनता दल के पास है और रहेगा। जी अनिरुद्ध, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी को राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में झटका दे ही दिया। उनके 5 विधायक में से 4 विधायक को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने में मिला लिया है। अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें छोड़कर बाकी 4 विधायक RJD में विलय कर गए हैं। इससे यह साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो गई है। कुल राष्ट्रीय जनता दल की अब 80 सीट बिहार विधानसभा में होगी। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ी बात है और एक बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि 4 विधायक ओवैसी का राष्ट्रीय जनता दल में आज मिल गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अनिरुद्ध कुमार, रफ्तार मीडिया, पटना।